एरे के डिलीशन का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया और एल्गोरिथम भी समझा दिया। अब मैं आता हूँ प्रोग्राम पे, तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें दिख रहा है आपको, मतलब मेरे को ना सबसे पहले क्या करना है, एक एरे में कुछ एलिमेंट्स रखने हैं। जैसे इस समय पे एक एरे डिक्लेयर किया गया है जो 5 एलिमेंट्स का है, और 5 एलिमेंट्स का जो एरे है इसमें देखो 5 एलिमेंट मैंने स्टोर भी करे हुए। हालांकि इंसर्शन वाले में एक एलिमेंट कम रखा करता था। क्यों रखता था? क्योंकि इंसर्ट के लिए मुझे एक स्पेस चाहिए होती थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिलीट करना है तो मैंने इसको फुल करके रखा हुआ है। पहले मैंने 5 एलिमेंट इसमें फुल कर दिए और फिर कहा इसको से डिलीट करना चाहते हैं। तो देखो इसके लिए जो एल्गोरिथम मैंने समझाया वो एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे बोर्ड बना के रखा हुआ भी है जो आपके सामने है। तो राइट साइड में जो बोर्ड है वो आपको दिखेगा और उस बोर्ड से मैं आपको कंपेयर करता हुआ इसका प्रोग्राम का एल्गोरिथम प्रोग्राम मैं समझा दूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या करा हमने, यहाँ पे एंटर द लोकेशन, जिस लोकेशन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करना चाहता हूँ वो लोकेशन अगर मुझे मिलेगी तो यूजर जो डालेगा वो डालेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जबकि मेरे एल्गोरिथम और प्रोग्राम में शुरू होती है इंडेक्स फ्रॉम 0, यानी कि 0 से स्टार्टिंग होती है। तो हम हमेशा लोकेशन को 1 लेस करेंगे। जब 1 लेस करेंगे तो देखो कहाँ करेंगे वो बात करेंगे। अभी फिलहाल हमने लोकेशन लेने के बाद बिफोर डिलीशन अपनी लिस्ट को प्रिंट किया है, और ये मैंने आपको अच्छे से इंसर्शन में भी बता रखा है कि कैसे ट्रेवर्स होता है, यानी कि ट्रेवर्स का मतलब वहाँ पे एलिमेंट कैसे शो होते हैं। 0 से लेके लेस देन एन तक यहाँ सारे एलिमेंट शो हो जाएंगे, खूब अच्छे से आता है। अब मैंने डिलीट फंक्शन को कॉल किया। डिलीट फंक्शन की थोड़ी सी स्पेलिंग में आपको मिस्टेक लगेगा, DELETE। मैंने क्यों इस तरह की स्पेलिंग रखी है, क्योंकि DELETE अगर रखूँगा तो इट इज अ कीवर्ड इन द C++, तो वो मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि C++ के कीवर्ड का हटा के यहाँ एक नाम, जनरल नाम DELETE लिख देते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम DELETE, जिसमें एक एरे पास होगा और एक उसकी लेंथ पास होगी। जो लेंथ जाएगी उस लेंथ के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा मुझे कहां से किस एलिमेंट को डिलीट करना है। अब हम यहां पे आ गए। जब ये डिलीट फंक्शन के अंदर एरे जाएगा और लोकेशन जाएगी, लेंथ नहीं ये लोकेशन जाएगी, सॉरी मैं यहाँ गलत बोल गया, यहाँ लेंथ नहीं बल्कि लोकेशन जाती है उस लोकेशन को जिसको डिलीट करना होता है। तो देखो हम यहाँ से दोनों चीज़ें भेज रहे हैं। अभी मैं फंक्शन के अंदर जाके अभी आपको समझाऊंगा, उससे पहले आफ्टर डिलीशन जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली एन की वैल्यू 1 कम हो गई होगी। क्यों कम हुई होगी ये भी बताऊंगा, और 1 कम होने की वजह से 1 एलिमेंट कम यहाँ पे प्रिंट होगा। और जो आफ्टर डिलीशन यानी कि एलिमेंट को डिलीट करने के बाद अगर जो भी एरे होगा वो यहां प्रिंट होगा। होता क्या है, एन क्यों अपडेट होगा उसकी भी अभी बात करेंगे। अब पहले डिलीट फंक्शन पे आ जाते हैं। तो डिलीट फंक्शन मैंने यहां पे बनाया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर तुम देख रहे हो सबसे पहले मैंने के को लॉक -1 किया है। लॉक -1 क्यों किया, क्योंकि लॉक जो लोकेशन यूजर 2 डालता है मान लेते हैं, तो हम इंडेक्स 1 उड़ाएंगे। लॉक -2 वो लॉक -1 मतलब दूसरी लोकेशन हमारे लिए इंडेक्स क्या बनेगी, 0 1 2, यानी कि दूसरे स्टूडेंट दूसरे एलिमेंट के लिए इंडेक्स बनेगा 0 1 1 बनेगा। तो 1 की वजह से मैं यहाँ पे लॉक -1 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने जब यहाँ समझाया था तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कुछ रखा था, लॉक रखा था, लेकिन यहाँ लॉक क्योंकि 1 से शुरू किया था इसलिए रखा था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉक -1 से दूसरी स्टेप में मैंने यहां लिखा है रिपीट स्टेप 4 एंड 5 के लेस देन एन माइनस वन। तो देखो के लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन रखा है, वहां लेस देन है तो यहां लेस देन इक्वल टू, क्योंकि स्टार्टिंग यहां 0 से हो रही है या स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो दोनों में इतना सा फर्क। एल्गोरिथम हम हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं इसलिए बनाते हैं। चलते रहेंगे कब तक, देखो ए के में ए के प्लस वन, ये मैंने खूब अच्छे से उसमें समझाया कि ए के में ए के प्लस वन क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग होती है, एलिमेंट ओवरराइट होता है, इस वाले पे ये वाला, इस वाले पे फिर ये वाला, ऐसे करके लेफ्ट में ये सारे शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे ARR K में ARR K प्लस 1 को लाके सेट किया और K को आगे बढ़ाया, अगले एलिमेंट पे पहुँचाया। ऐसे ही चलते रहेंगे और एक टाइम बाद हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट जो वो हटाना था वो ओवरराइट हो चुका होता है और लास्ट में लेंथ को 1 कम कर देते, N माइनस 1 कर देते। अब रही बात N अपडेट कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ देखो N को मैंने यहाँ ग्लोबल किया हुआ है। अगर ग्लोबल को किसी भी फंक्शन के अंदर चेंज किया जाए तो वो अगले के लिए अपडेटेड रहता है।
देखो n की वैल्यू 5 है तो यहां पे 5 एलिमेंट प्रिंट होंगे। फिर ये इसके अंदर गया, अब क्या हुआ n की वैल्यू मैंने यहां घटा के कितनी कर दी, एक कम कर दी, यानी कि 5 माइनस 1 4 कर दी, 4। अब ये यहां पे हमें 4 मिलेगा और 4 मिलेगा तो एलिमेंट एक कम ही प्रिंट होगा और इस तरह से सारे हमारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे जो एक कम हो गया होंगे। अब मैं इसको चलाता हूं तो देखो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, एंटर द लोकेशन, मैंने कहा तीसरी लोकेशन मुझे डिलीट करनी है, तो देखो बिफोर डिलीशन 1 2 3 4 5 आ रहा है और जबकि आफ्टर डिलीशन 1 2 3 1 2 4 5 आ रहा है, तो 3 डिलीट हो चुका है। एक और केस, दो तीनों केस चलाते हैं यहाँ पे। अभी मैंने एक और केस चलाया, मैं पहला एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ यानी कि लोकेशन 1, तो देखो 1 2 3 4 5 बिफोर डिलीशन, आफ्टर डिलीशन 1 डिलीट हो चुका है। तीसरा केस और चलाते हैं फिर जिसमें लास्ट का एलिमेंट डिलीट करेंगे यानी कि एलिमेंट नंबर 5, तो 5 को डिलीट करना 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो इस तरह से मेरे सारे एलिमेंट जिस तीनों लोकेशन से डिलीट किया जाता है, बिगनिंग, लास्ट और मिडिल एनीवेयर, वो मैंने तीनों करके दिखा दिए। मेरे को लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, विश यू गुड लक।